और अब बात कोडरमा में शुरू हुए फुटबॉल टूर्नामेंट की, जिसमें आरजेडी के सीनियर लीडर सुभाष यादव मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों ने उनका स्वागत किया। उनके साथ आरजेडी के लीडर अभय सिंह भी मौजूद थे। इन लोगों ने लीग नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया और खिलाड़ियों की मनोबल बढ़ाया। जनता की सेवा करने के लिए उतार हुआ है। अब कोरोना से धीरे धीरे अपना संसाधन जैसे जैसे एकत्रित होगा, पूरे लगन के साथ प्रयास के साथ माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार झारखंड राज्य के विकास करने के लिए उतार हुआ है। अभी यहाँ पे खेल का उद्घाटन करने के लिए आए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे खिलाड़ियों का कि वो किस तरह से आगे बढ़े? यहाँ हम लोग नॉकआउट का मीन्स होता है पछाड़ देना, भयभीत हो जाना। तो हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के जितने नेता कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, तो विरोधी लोग इस नॉकआउट से हम लोग पछाड़ेंगे, पराजित करेंगे और झारखंड प्रदेश में खेल में यहाँ का जो प्रतियोगी है कमी नहीं है। यहाँ केवल सिस्टमेटिक ढंग से वो प्रोत्साहन देना है और सरकार जो अभी वर्तमान की सरकार है, खेल खिलाड़ियों में जो अव्वल आ रहे हैं उनको भी नौकरी देने का सरकार प्रावधान कर रही है। अब कुछ लोगों की नौकरी मिली हुई तो झारखंड राज्य के बच्चे बच्चियाँ जो है खेल में प्रतियोगी में कमी नहीं है। अब यहाँ की सरकार भी उनको प्रोत्साहन करने के लिए जो अव्वल आएंगे आगे आएंगे उनको नौकरी भी देने की सरकार काम कर रही है। और नॉकआउट के जो खिलाड़ी हैं जो इनके माध्यम से यहाँ खेल हो रहा है उन लोगों को भी मैं उज्ज्वल भविष्य का कामना करता हूँ। चलिए।